मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और हम जा रहे हैं घूमने। तो व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, वीडियो लाइक कर दो और व्लॉग देखते रहो। तो ये है NGP न्यू जलपाईगुड़ी प्लेटफॉर्म, हम लोग उतर गए। सुबह देख के मेरी हालत समझ तो आ ही रहा है। और NGP में आप लोगों को जो दिखने को मिलेगा, ऐसे बड़े बड़े से तेल वाली लॉरी, बस, ऑटो। तो अभी बहुत ठंड लग रहा है, हम लोग थोड़ा रास्ते में रुके हैं, इधर थोड़ा सा शूट करना है फिर जाना है आगे। बहुत ठंड है, देख सकती हो व्यू, बहुत खूबसूरत है, माउंटेन्स होते ही खूबसूरत है। तो इधर से फिर हम जाएंगे गैंगटॉक, बहुत ठंड है। कैमरा इधर है, मैं बार बार बोल रही हूँ। हाँ, फेशियल में मुंह खोलना चाहिए, मुंह शक्ल इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने मेकअप नहीं किया है, तो इग्नोर माय फेस। इनका फेस तो ऑलरेडी इग्नोर हो चुका है। मतलब इधर गोरी दिख रही हूँ मतलब स्क्रीन में, या फिर मैं गोरी हूँ? ज्यादा ब्लैक, थोड़ा ज्यादा सफेद नहीं दिख रही? पापा कुछ बोलना चाहते हो? कुछ नहीं, जल्दी जल्दी काम सलटाओ और चलो। सलटाओ 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 क्या होता है? चलो तो बस शूट कर लेते हैं और फिर चलते हैं होटल। अभी 5 घंटे लगेंगे इधर से, बस थोड़ी ही दूर आए हैं। चलो आप लोग ब्लॉग देखते रहो। ये सब जा रहे हैं नीचे और हम जाएंगे ऊपर की तरफ। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत दिनों बाद घूमने आई हूँ पहाड़ पे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या क्या होगा कुछ नहीं पता, तो चलो। तो अभी हम लोग आ गए हैं होटल पे। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है और उल्टी भी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बट अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो हमारा कार्ड तो आ गया, दीदी का अभी तक नहीं आया। तो अभी जाएँगे होटल में, फ्रेश होएंगे, आप लोग ब्लॉग देखते रहो। तो ये है हमारा होटल गैंगटॉक का, जहाँ पे हम लोग रुकेंगे। तो चलो देख लेते हैं कि रूम कैसा है। तो देख सकते हो ये है मेरा रूम, रूम भी काफ़ी सुंदर है और विंडो से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो कल ट्रेन पे बिल्कुल नहीं सो पाई, इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, पर खाना भी खाना है, भूख भी लगी है। तो चलो जल्दी जल्दी फ्रेश हो लेते हैं फिर निकलते हैं खाना खाने। तो बहुत ज़्यादा थक गई और अभी आए हैं खाना खाने, लंच करने, और टाइम हो रहा है 4:11, जो काफ़ी लेट है और मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है, तो चलो लंच कर लेते हैं। तो काफ़ी लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट शायद 4:30 बज गए हैं। तो अभी जल्दी जल्दी लंच करेंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। और लंच का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बिरयानी भी बहुत अच्छा था, चिकन लॉलीपॉप का भी टेस्ट बहुत अच्छा था, तो खाना मस्त था बिल्कुल। बहुत चल है, मर चुकी हूँ मैं, बोलने की हालत नहीं है। तो क्या हुआ? मैं तो बहुत ज़्यादा ठंड है और लंच किया हमने ऑलमोस्ट 5 बजे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इधर घूमना है, ये NG मार्ट, इधर थोड़ा सा शॉपिंग करना है। एक्चुअली मुझे ग्लव्स लेना है क्योंकि हाथ जो है जम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे फिर जाएंगे फिर से वापस होटल में, और कल का प्लान है अलग से, तो आप लोगों को दिखेगा ही वो, उसके लिए ब्लॉग को देखना पड़ेगा, तो ब्लॉग देखते रहो। तो NG मार्ट घूम के हम लोग आए थे लाल बाज़ार, शॉपिंग हो चुका है और नेक्स्ट डे निकलना भी है, तो जल्दी घर चलते हैं। अभी हम लोग निकलेंगे गैंगटॉक से, जाएंगे लाचेन या फिर कोई, मुझे जगह का नाम बिल्कुल याद नहीं रह रहा है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी बज रहे ऑलमोस्ट 11:30 ऐसा कुछ। तो ठंड बहुत ज़्यादा है इधर, और उधर तो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, जो होटल वालों ने बोला कि उधर स्नोफॉल हो रहा है। अभी मैंने सोचा था कि क्या क्या पहनूँगी, लाइक बहुत सारे उठपटांग कपड़े मैं लेके आई हूँ जो बिल्कुल पहन नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत ठंड है। कुछ अच्छा प्लान है एक्चुअली, वो होता है या नहीं होता है वो तो आप लोगों को दिखेगा ही, तो उसके लिए आप लोगों को देखना होगा ये ब्लॉग, तो ब्लॉग देखते रहो। मेरा पॉप सॉकेट निकल गया इसलिए बहुत इशू हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाचून, तो हमें लाचून ही होगा शायद, लाचून या फिर कुछ। तो अभी हम लोगों को रोड में एक वाटरफॉल मिला है, तो हम लोग उधर जा रहे हैं पिक्चर क्लिक करने। तो पहाड़ का एक ये खासियत है कि इधर चलते फिरते आपको हर जगह व्यू मिल जाएगा, हर जगह वाटरफॉल दिख जाएगा, कितना सुंदर है ना सब कुछ।
तो हम लोग जा रहे हैं लाचुंग। देख सकते हो ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, कब का निकले थे हम लोग, बहुत टाइम लग गया। तो अभी कब पहुंचेंगे कोई पता नहीं मुझे, और ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड का तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग पहुंच गए हमारा होटल, इसी होटल पे हम लोग लाचुंग पे रुकेंगे। हमें पहले दिन जाना था लाचेन, पर प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया क्योंकि परमिट नहीं मिला, उधर स्नोफॉल हुआ था इसी वजह से परमिशन नहीं मिल रहा है जाने का, तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो चलो दिखा देते हैं आप लोगों को कि रूम कैसा है जहाँ पर मैं रहूँगी, जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो। सो हे फैम, फाइनली लाचुंग आ गया है। बहुत ठंड है, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा ठंड है। मैं बाहर थोड़ी देर गई थी तो इतना ठंड है, माइनस टेम्परेचर जा रहा है इधर, -2 शायद अभी है, तो अभी तो रात में और भी कम होगा, बहुत ठंड है। तो मुझे नहीं पता कैसे घूमूंगी, नाक जम गया मेरा, अभी फ्रेश होना है, पानी छुए भी, ऐसे ही मैं सोच रही हूँ। तो मम्मी कुछ बोलना चाहते हो? मम्मी कभी मेरे पास कुछ भी नहीं बोलने, क्या बोल रहे ये है हमारा होटल रूम, ये देख लो आप लोग, और ये जो देख रहे हो ना, ये बना है पाइन के पेड़ से, तो ये काफी अच्छा है। तो ये वॉशरूम, ये सारी जगह, ये खाना। तो बाकी मैं फ्रेश हो रही हूँ, फिर जाऊंगी डिनर करने, आप लोग ब्लॉग देखते रहो। तो डिनर में था रोटी, दाल, पनीर, सैलड और मिक्स वेजिटेबल। इधर चिकन मटन नहीं मिलता क्योंकि ये बहुत हाइट पे है। सो फैम, अभी आई हूँ यमथांग वैली पे, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ तो देख ही सकते हो, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पर नज़ारा बहुत सुंदर है। पर मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर आ गया ऑलरेडी, तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। मैंने सुबह से 4 मेडिसिन ऑलरेडी खा लिया है, घर जाके और भी खाना है क्योंकि कल थोड़ा ठंड लग गया, और मुझे टॉन्सिल का प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी फीवर आ जाता है। पर जगह बहुत ही सुंदर है, तो इधर थोड़ा सा पिक्चर क्लिक करेंगे, रील बनाएंगे, और फिर यहाँ से चलेंगे होटल शायद, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, देखते क्या होता है, आप लोग ब्लॉग देखते रहो। तो व्यू देख सकते हो फैम कितना सुंदर है, लाइक चारों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ है, उसके अंदर ग्रीन पेड़ पौधे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बहुत मज़ा किया इधर और मुझे ये व्यू बहुत पसंद आया। तो चलो अभी होटल चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम स्टे करने का परमिशन नहीं मिलता है इधर, क्योंकि अंदर आने का ही परमिशन नहीं मिल रहा था, बहुत बोलने के बाद उन्होंने अलाउ किया है। तो इसके बाद हमारा प्लान था कटाओ जाने का, पर तबीयत सही नहीं लग रही है तो कटाओ इस बार नहीं जाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल चलो होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, खाने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि फीवर आ चुका है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा ले जाओ, कम यहां, कम यहां। ये पप्पी एंड बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट थे, ये बच्चा मुझे डॉग देना नहीं चाहता था, पर इसकी सिस्टर जो है वो बोली थी लेके जाओ, तो सब बहुत प्यारे थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके। उनके लिए चॉकलेट्स भी लेके गए थे पापा, तो उनको चॉकलेट्स दिया। तो चलो रेस ले लेते, कल निकलना भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाचुंग से लाचेन, और मुझे हो गया फीवर, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कुछ भी रील भी नहीं बना पाई। तो पहाड़ों का एक मज़ा ही अलग होता है ना। था हमारा रिजॉर्ट, इधर हम लोग रुके थे, सामने का व्यू जितना अच्छा है रिजॉर्ट उतना ही घटिया था, क्योंकि सर्विस बहुत ख़राब था इसका, और यहाँ पानी का दिक्कत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक के बॉटल में मिल जाएगा, पर पानी नहीं मिलेगा, तो पानी का काफ़ी क्राइसिस है, और पानी जो भी है बहुत ज़्यादा स्मेल है उसमें, तो मतलब पिया नहीं जा सकता, तो अभी हो गया है। तो अभी हम लोग रुके थोड़ा एक वाटरफॉल के पास, इसका कैमरा किधर जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वाटरफॉल आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही मस्त है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही लंबा है, साउंड तो आप लोगों को आएगा ही। ये देख सकते हो ना कितना ऊंचा है, और बहुत ठंडा हवा है सॉरी, और मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है इतना फीवर, ज़्यादा फीवर लग रहा है ना।
तो हम लोग लाचेन ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये रोड देख सकते हो ना, इसमें जो आइस है इसको ब्लैक आइस बोलते हैं। इसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा फिसलता है, तो इसीलिए गाड़ी को बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, फिर ऊपर जाना पड़ रहा है। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। डर जो लग रहा था ना, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ब्लैक आइस से बहुत एक्सीडेंट भी होता है, क्योंकि बहुत स्लिपरी होता है ये। तो हम लोग पहुँच गए हैं हमारा होटल। ये है हमारा लाचेन का होटल, देख सकते हो कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल सा व्यू आता है इससे। मुझे इस जगह से ना प्यार हो गया। फैम अभी आ गए हम लोग लाचेन, और आप लोग देख सकते हो पूरा स्नो से ढका हुआ है। तो इधर टूरिस्ट भी बहुत कम है, क्योंकि 27 दिसंबर को स्नोफॉल हुआ था, इसी वजह से इधर लोग अभी नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो क्या हालत है, कि काफ़ी रिस्की भी है। अभी जो आवाज़ आ रहा है शायद स्नो पिघलने का आवाज़ है। और हम लोग जो होटल में रुके वो है समिट, तो चलो मैं दिखाती हूँ मेरा होटल रूम कैसा है आप लोगों को। ये देख सकते हो कितना क्यूट क्यूट है, ये मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, कितना क्यूट है ना। इधर इधर ब्लैक कलर का भी है, ये दिखा, There is a black one. तो चलो अभी आ जाओ, वैसे होता है ना कि चलो चलो देख के आना। और इधर व्यू देखो, पहाड़ देख लियो, उधर शायद क्या थांगू, उधर है शायद, मुझे नहीं पता, I'm not sure, वो बर्फ वाला हिस्सा ही होगा शायद। वेदर देख लियो आप, और ठंड कितना है मैं बोल के बता नहीं सकती आप लोगों को, मुझे फीवर भी है, पर फिर भी मैं ऐसी घूम रही हूँ, क्योंकि डर के आगे जीत है। ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ऑलमोस्ट मैंने ब्लॉग में कुछ नहीं बना पाई मैं, क्योंकि पूरा टाइम में मुझे फीवर था, तबीयत खराब था, क्योंकि कोल्ड हो गया, इतना क्या बोलते उसको ठंड है इधर। और मैंने पूरा कार का हवा खाया, एक दिन में ही हो गया, फिर खेल ख़त्म। उधर देखो क्लाउड देख पा रहे हो, कितना कितना ज़्यादा सुंदर है, आई कांट डिस्क्राइब। और इधर देख रहे हो, इधर बारिश हो रहा है, मतलब ये बादल का जो दोनों कलर है देख के आप समझ जाओगे, उधर क्लियर बादल है और इधर बारिश हो रहा है। तो आओ चले, तो ये है रूम, ऐ थैंक यू बोल जी, तो ये है, सॉरी, तो ये है मेरा रूम, मेरा दिमाग गया। और ये है रूम से जो आपको व्यू दिखेगा, वो व्यू जो बहुत ही सुंदर है, उधर नदी जा रहा है शायद, दूर में नदी है, और ये बर्फ पिघल के जो पानी गिर रहा है वो पानी है। तो आ जाओ रूम दिखाते हैं, ये जगह बहुत सुंदर है, बिल्कुल वुड से बना हुआ है जो काफी सुंदर है। तो ये है रूम, ये बेड, और ये विंडो जहाँ से दिखता है बर्फ, जहाँ से पापा खींच रहे पिक्चर। और ये सब डेकोरेशन है, इसमें कुछ नहीं है। ये टीवी है जो किसी काम की नहीं है, क्योंकि इधर पावर बहुत कम रहता है, तो इधर नेटवर्क नहीं है, इसीलिए मैं रील नहीं शूट कर पाऊंगी। तो मैं ट्राई करूंगी कुछ छोटा छोटा क्लिप फ़ोन से शूट करने के लिए, क्योंकि इंस्टा फेसबुक यूट्यूब कुछ भी नहीं चला सकती मैं, इधर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है जियो का, ओनली वोडाफोन एंड एयरटेल का नेटवर्क आप लोगों को मिलेगा इधर, और किसी भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये जो है ना, ये पाइन वुड या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं वो है, इससे ठंड नहीं लगता, तो काफ़ी सुंदर है ये जगह। तो मैंने बहुत सारा प्लान किया था कि ये शूट करूँगी वो शूट करूँगी, तबीयत की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। और देखते हैं शाम में क्या करते हैं, फिर निकलना भी है इधर से, टेम्परेचर काफ़ी कम है इधर का, मुझे कैसे धुआं निकल रहा है देख रहे हो, दिखेगा बहुत ज़्यादा ठंडी। और मैंने पहना ये बड़ी ड्रेस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा आग सेकेंगे और फिर डिनर करेंगे, बाहर का नज़ारा देखो, रात हो चुका है,
कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। पूरा लग रहा है कि थोड़ा सा लाइन चल रहा है, बस दूर दूर तक बस पहाड़ है और इस साइड कोई नहीं रहता। तो चलो चलते हैं। तो पूरी ट्रिप में ये चीज़ बहुत अच्छा था। हाँ, मुझे बजाना नहीं आता है पर बेसुरा ही बजा रही थी। ये बोन फायर बहुत बेस्ट मोमेंट था मेरे लाइफ का, बहुत इन्जॉय किया। और होटल वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने बंदोबस्त किया। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, मौलाई सुनको तारा कसाई दोना, त्यो तारा मात्र होइना जुन पनि भारी दिउला, तो ऑलमोस्ट हम लोग रात के 9 बजे तक इधर बैठे थे। उन्होंने लकड़ियों का भी इंतज़ाम कर दिया था, तो कोई कमी नहीं हुई। बहुत मज़ा आया, हाथ सेक के बॉडी बिल्कुल रिलीफ हो गई। माउंटेन सच में बहुत ज़्यादा हिल करता है, तो बहुत अच्छा फीलिंग था ये, बिल्कुल एक डिफरेंट फीलिंग था। तो बहुत मज़ा आया मुझे। Hey fam, तो अभी हम लोग हैं लाचेंग में। इधर देख सकते हो पूरा स्नो से भरा पड़ा है पूरा जगह, कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। तो अभी मैंने पहना है साड़ी जो आप लोगों को वीडियोस में दिखेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरा, आप लोगों को पता है मुझे फीवर भी है, पर मुझे वीडियोस अच्छे अच्छे निकालना है कुछ भी हो जाए। तो अभी करूँगी मैं शूट, जैकेट निकाल के पूरा मस्त एकदम। तो आप लोग व्लॉग देखते रहो, मैं क्लिप ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद हमें निकलना है गैंगटॉक, तो व्लॉग देखते रहो। हम लोग लाचेन से भी निकल रहे हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गैंगटॉक और कल चलेंगे घर। उधर कोविड केसेस बहुत ज़्यादा है, अभी जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर जाना तो है ही। तो ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। इसको जो मिला है मेरे ऊपर चला दिया, तो अभी चलो आप लोग ब्लॉग देखते रहो। तो अभी हम लोग इधर उतरे हैं क्योंकि हमारा कार थोड़ा ख़राब हो गया है, उसके टायर में कुछ इशू हो गया है क्योंकि बर्फ़ में चलने की वजह से कुछ बर्फ़ वर्फ कुछ फंस गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ एग्जैक्टली। तो इसीलिए इधर 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा। तो सामने एक गुरुद्वारा, तो उधर हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कितना अच्छा है, ये देख सकते हो कितना सुंदर है ना। हाय हाय बिस्कुट नहीं आशा ना, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आओ, इधर आओ, आओ आओ जल्दी 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 आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। तो मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ, जब भी माउंटेन्स पे कभी भी ट्रैवल करो तो हमेशा साथ में बिस्किट चॉकलेट्स दो दो चीज़ कैरी करना, क्योंकि चॉकलेट्स बच्चों को दोगे तो उनका खुशी आपको इतना अच्छा लगेगा ना, वो जो खुश होते हैं। और डॉग्स के लिए एंड कबूतर के लिए एंड कैट्स के लिए बिस्किट कैरी करना, क्योंकि उनको खिला के अलग एक सुकून मिलता है। तो मेरे एक दोस्त ने और पापा ने बोला था, तो इसी वजह से मैं साथ में लेके गई थी। तो खिला के बहुत मज़ा आया फैम, एक अलग एक अलग एक्सपीरियंस था। इतने सारे बर्ड्स को एक साथ बहुत दिन बाद मैंने देखा था, बहुत मज़ा आया, लाइक आपको अलग एक सुकून मिलेगा। तो अभी इधर से हम लोग जाएंगे गैंगटॉक, तो चलो। तो ये है मेरा रूम, हम लोग पहुंच गए गैंगटॉक। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा गला भी थोड़ा बैठ चुका है क्योंकि सुबह जो साड़ी पहन के शूट 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 किया, उसकी वजह से काफ़ी ठंड लग गई है। तो रूम दिखा दो आप लोगों को, रूम दिखा दो आप लोगों को। इधर ये वाला जो चीज है ये मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, दीदी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो लाचेन में एंड लाचेन था शायद, मुझे नाम याद नहीं आता, मुझे ना नहीं पाई 2 दिन से, क्योंकि उधर सोर्स ऑफ वाटर है या तो फिर वाटरफॉल या तो फिर नदी।
तो उधर नहाने के लिए मना किया गया था क्योंकि बहुत ठंड है उधर। तीन दिन से नहाया नहीं, बालों की हालत देखो। तो इसीलिए आज मस्त नहाना है, फिर जाना है शॉपिंग पे थोड़ा सा इधर गैंगटॉक में एमजी मार्ग मैं भूल गई। तो उधर जाना है थोड़ा सा शॉपिंग करने, फिर खाना खाना है। तो अभी जाऊँगी फ्रेश होने, चलो फ्रेश होके मिलते हैं। तो आगे एमजी मार्ट पर आने के वक्त थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए ऑलमोस्ट सारी दुकान बंद हो रहे थे तब। तो बस खाना खा के हम लोग निकल गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें ट्रेन भी पकड़ना है और सभी बहुत थके हुए हैं, देख सकते हो ना ऑलमोस्ट सभी दुकान बंद हो गया है। तो बस मेरा ट्रिप इधर ही ख़त्म होता है, बहुत दुख हो रहा है पर क्या कर सकते, घर जाना है तो चलो घर चलते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी ट्रिप ख़त्म होते इतना ही दुख होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, टाटा।